शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के सदस्यों ने 5 सूत्रीय मांगों के समर्थन में विद्युत वितरण मंडल कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। सरकार मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे, इससे विद्युत व्यवस्था पर भारी असर पड़ेगा। कहा कि बिजली निगमों का एकीकरण कर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का पुनर्गठन किया जाए। वर्ष 2000 के बाद भर्ती हुए सभी कुमार सिंह, कार्यालय सहायक, विद्युत वितरण मंडल बलिया। ऐसी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है कि आज आप लोग धरना कर रहे हैं? ये जो सरकार की कूटनीति है, जिसमें कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसी के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल ये चल रही है, जिसमें हिंदुस्तान के सारे सरकारी विभाग जो एकजुट हो करके 8 और 9 तारीख के इस हड़ताल को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। ये हड़ताल कब तक चलेगा? ये हड़ताल 8 और 9 2 तारीख तक है, दो दिन का है। इसमें शंकर पांडे है, अध्यक्ष पेंशनर परिषद शाखा बलिया। आप लोग धरना क्यों कर रहे हैं? ऐसा है कि आप सोचिए कि कितना बड़ा अन्याय है। 5 साल अगर 5 साल अगर कोई विधायक और लोकसभा का एमपी अगर रहा है तो उसे पूरी पेंशन मिलती है। हमारे लोग 60 वर्ष तक काम करने के बाद उनको पेंशन बंद कर दिया गया है, ये सरकार द्वारा और ये कॉरपोरेशन द्वारा, और नियुक्तियाँ नहीं हो रही हैं। एक ऑफिस में चले जाएं, जामुसी से 2 और 1 बाबू मिलेंगे, इससे जनता को भी परेशानी है, कर्मचारियों की भी परेशानी है। तो हम लोग जो है ये सबके हित के लिए ऐसा आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं।